कुछ लोगों को लगता है कि मुझमें अंतरात्मा की आवाज नहीं है, यहां सिर्फ पैसा है। खैर, ये कभी सच नहीं होगा। मैं कोई भी काम करने से पहले खुद से पूछता हूं कि क्यों करना है। मैं हमेशा खुद को नियंत्रित रखता हूं। मैं जो भी करता हूं वो बहुत भयानक होता है और उसे मैं कभी भुला नहीं पाता हूं। लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं करता हूं। ऐसा एक दिन भी नहीं रहता जिस दिन मैं उल्टा काम नहीं करता हूं। मेरे कदम हमेशा उल्टे काम के लिए बढ़ते हैं। मैं किसी भी काम के फायदे और नुकसान के बारे में नहीं सोचता। मुझे जो करना होता है वो मैं करता हूं। इसके पीछे एक कारण है और वही परिणाम है। हर काम के दो रास्ते होते हैं, एक सही और एक गलत। दुनिया सही गलत करने के लिए नहीं कहती। हम जो भी करते हैं अपने मर्जी से करते हैं और दुनिया हमें वही कर्म का फल देती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं जो कर रहा हूं वो सही है। मैं महापुरुषों की बातों पे नहीं चल सकता। मैं बस कुछ लोगों को जानता हूं जिन्हें मुझे मारना है। एक्सक्यूज मी मिस्टर वोगल, यह आपकी पहली नियुक्ति आज सुबह है। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। आप चाहते क्या है? हाँ, वही हमेशा का वो कमीना कबार है। कुछ ही मिनट में वो रास्ते में है। गुड, मेरी बेटी आ रही है और मुझे कोई गड़बड़ पसंद नहीं है। जब मेरी बेटी इर्द गिर्द हो, मुझे सब कुछ ठीक ठाक चाहिए और साफ सुथरा, या फिर मुझे अपनी असलियत पे उतर आना पड़ेगा। तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? यह एक आदमी है,
एक हो या दस क्या फर्क पड़ता है, हम देख ही लेंगे। स्टाइनर, ये मीटिंग बस एक फॉर्मेलिटी है। अगर वो नहीं माना तो मैं चाहता हूँ तुम उसे गोली मार दो, उसके सर में खोपड़ी फटनी चाहिए, ठीक है? और सबको मालूम पड़ जाना चाहिए। तो मेरा मकसद ये है कि सबको मालूम पड़ जाना चाहिए कि मैंने उसे उड़ाया है। स्टाइनर, मुझे कोई कन्फ्यूजन नहीं चाहिए, समझ रहे हो? ठीक। ए, मेरी एंजल, कमाल लग रही हो। ओह, थैंक यू, आपको पसंद आया? बहुत। ये कलर तुम पे जचता है। तो लंच के लिए चले? बेटा, मैं तो लंच के लिए कब से वेट कर रहा हूँ। क्या मैं रेडी नहीं लग रहा हूँ? गुड मॉर्निंग साइमन। हेलो मैम। देखो, मुझे एक छोटा सा काम खत्म करना है, उसके बाद मैं तुम्हें ज्वाइन करता हूँ। तब तक तुम और तुम्हारा बॉयफ्रेंड ड्रिंक शुरू करो, तब तक मैं आ जाऊंगा, ठीक है? डैड, ठीक है, 5 मिनट? 4 मिनट, 4:30। मुझे आपको कुछ बताना है, लेकिन लंच के बाद बताऊंगी, ओके? बिल्कुल। ओके। स्टाइनर। कूल। वो तुम्हें कैसे लगता है? वो थोड़ा डरावना है, मुझे लगता है कि मैं खुद से इंतजार करूंगी। उसे मत बताना, वो सैलरी में हाइक मांगेगा। डैड, ठीक है, 5 मिनट में मिलते हैं। मिलता हूँ। तुम बहुत पॉपुलर हो। उन्होंने कहा कि मैं आ रहा हूँ। इधर ही रुको। संभाल के, ये खतरनाक हो सकता है। मेरे खड़े रहने से आपको दिक्कत है? हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम खड़े रहो या बैठ जाओ। क्या है ना कि तुम्हारे बॉस ने तुम्हें मिलने के लिए तुम्हें यहां बैठा हूं। मैंने उसे जवाब पहले ही दे दिया है और वो जवाब ना है। इसके अलावा तुम्हें कुछ और डिस्कस करना है तो यू आर वेलकम, वरना ये मीटिंग तो खत्म हो चुकी है। तुम्हारा नाम? मिस्टर ब्रैडली। मिस्टर ब्रैडली, ऐसा है ना ब्रैडली कि मुझ में इतना भी पेशेंस नहीं है, और जैसे लोग कहते हैं कि अगर जवाब चाहिए तो कुछ दांत तो उखाड़ने ही होंगे, तो मुझे जो करना होगा वो तो मैं कर ही लूंगा। अब ब्रैडली, एक सीधी बात पे आता हूँ, तुम्हारे आने का मकसद। आपको पता है मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ? डिस्क के लिए। वही डिस्क जो चोरी किया गया है और वो यहीं पे है। ओके। वो मुझे चाहिए। वो मैं तुम्हें नहीं बेचूंगा। वो आपकी नहीं है कि आप बेचेंगे? वो आपकी नहीं है कि आप बेचेंगे? वो डिस्क मेरे पास है और मैं डिसाइड करूंगा मुझे उसके साथ क्या करना है। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि मैं ऐसा करने नहीं दूंगा। आपको एक मौका देता हूं उसे वापस देने के लिए। तुम्हें वापस दे दूं? क्यों? इसलिए कि तुम इतने अच्छे कपड़े पहन के मुझे मिलने आए हो? आई एम सॉरी बेटा, बट मैं तुम्हें नहीं दूंगा। मैं आपसे प्यार से मांग रहा हूं, लेकिन दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर आप वो चुपचाप दे देंगे तो ये आपके लिए अच्छा होगा। हे भगवान, ब्रैडली, अगर तुम इज्जत से भी मुझसे ये मांगते तो भी मैं वो डिस्क तुम्हें कभी भी नहीं देने वाला था। कम ऑन मैन।
ओ ब्रैडली, तुम्हें बुलेट्स वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं थी। सच्चाई ये है कि वो डिस्क मेरे लॉकर में है, और अगर तुम मुझे मार डालोगे, तुम्हें एक छोटा सा बॉम्ब लगाना पड़ेगा उस लॉकर को उड़ाने के लिए। तो मुझे मारना तो भूल ही जाओ, क्योंकि मेरे बगैर वो लॉकर खुलने वाला नहीं है। तो तुम समझदार हो कि तुम फंस चुके हो। मैं तुम्हें ऐसे नहीं मारूंगा। ब्रैडली, मैं सच कहूं तो मैं कुछ तो तुम्हारे बारे में जानता हूं। तुम ये नहीं कर सकते हो। तुम मुझे मार सकते हो बिल्कुल, लेकिन तुम मेरी बेटी को नहीं मार सकते। तुम्हारे असूलों के खिलाफ है और मैं ये जानता हूं। तुम बस बकवास कर सकते हो, बकवास। तुम अगर खुद को बचाने के लिए अपनी बेटी को दांव पे लगाते हो तो पहले तुम मरोगे, इसलिए भूल कर भी ऐसी गलती मत करो। देखो ब्रैडली, मैं तुम्हें बिलीव तो नहीं करता, लेकिन हाँ, मैं ये गैम्बल तो लेने को तैयार नहीं। हाँ। तुम्हें तो यह भी पता नहीं होगा उस डिस्क में क्या है। तो अब क्या, मैं ये समझ लूं कि तुम मुझे गोली मारोगे? मुझे एक भुना हुआ लेग पीस और साथ में स्प्राउट्स चाहिए। ठीक है। और एक प्लेट स्टीम राइस। और ड्रिंक में क्या लेंगे? हाँ, एक कप ग्रीन टी दे सकते हैं। ठीक है, 10 pounds। थैंक यू। ये लो अपने रिसीट, 10 minutes लगेंगे। बॉस, क्या मुझे इन बोतलों में से एक बोतल मिल सकती है? क्या वो क्या है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। नहीं, तुमने जेब में क्या रखा है? छोड़ो उसको, बेवकूफ। ए, तुम क्या देख रहे हो? मैं बहुत खतरनाक आदमी हूँ, बहुत खतरनाक, समझे? ए, छोड़ो मुझे, छोड़ो। अरे चलना, छोड़ो, छोड़ो ना। अब ठीक है? मैं इन लड़कों को जानता हूँ, जब से पैदा हुए तब से जानता हूँ इन्हें। बस यही सब करते रहते हैं, ये चोरी करते हैं, चीजों को तोड़ते हैं, हर रात मुसीबत पैदा करते हैं, हर रात। कोई भी यहाँ रहना नहीं चाहता है। ओह, आपका खाना तैयार हो गया होगा। ये लीजिए आपका पैकेट, ये लीजिए। थैंक यू। शुक्रिया। ये क्या है? बस इतना ही है, बहुत ठंड है। तुम आलसी हो, तुम ये नहीं जानती कि मुझे घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, ऐशो आराम चाहिए, लेकिन ये सब के लिए मैं काम नहीं कर सकता। हे, इस तरह से काम नहीं चलेगा। तुम्हारा ये काम करने का तरीका अच्छा नहीं है। इस सब के लिए मुझे अपने मैनेजर से बात करनी पड़ेगी। नहीं सर गई, वो तुम्हें सच बता रही है। चुप रहो, ये हमारे और इसकी बीच की बात है। क्यों, सही कहा ना? अगर तुम ऑफिस से बाहर हो और दरवाजा भी बंद है, शांत हो जाओ। पर यहाँ पे ठंड है। आप समझी? कब से समझा रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा तुझे।
आगे से ऐसी गलती मत करना। आपको क्या चाहिए? तुम इसे जानते हो क्या? तुम मुझे नहीं जानते। इसमें क्या है? ये तो खाने की चीजें हैं। ये मेरे किसी काम का नहीं है, ये तुम ही खाओ। तुम्हें पता है मुझे क्या पसंद है? फ्राई किया हुआ बर्गर। लेकिन तुम्हारे पास ऐसा कुछ नहीं है। चलो ये बताओ, ये तुमने कितने का खरीदा है? कितने पैसे दिए? ये बहुत समझदार है। खाने का जुगाड़ हो गया, अब तुम जाओ। चल जा। तुमने हद पार कर दी मेरी फैमिली को कॉल करके। मुझे माफ कर दो। मुझे मेरे डैड। मैं ये समझ लूं कि तुम मुझे गोली मारोगे। मुझे लगता है आप मेरे एम्प्लॉयर से बहुत ज्यादा डरते हैं। उन्हें तो बस डिस्क चाहिए। और तुमने सही कहा, काश मैं तुम्हारी बेटी को नहीं मारता। मुझे माफ कर दो। छोड़ो, छोड़ो, मत करो, प्लीज, छोड़ो, 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 प्लीज, छोड़ दियो, छोड़ो मेरी बहन को मत मारो। समझाया था ना? कोई मेरी बहन को बचाओ। नहीं समझ में आता तुझे? अब कैसा लग रहा है तुझे? जानदार, चल बैठ। बंद रख। ये तो समझ नहीं पाई हा? लेकिन तुम तो समझदार हो ना। बहुत घटिया हो तुम। हाँ, सच में घटिया हूं। लेकिन एक बात समझ लो, तुम्हारी बहन ने जो किया ऐसा मत करना, समझी? आ,
बंद रख। मैं ग्रेस्टोन ड्राइव पर से बोल रहा हूँ, हमें यहाँ मदद की जरूरत है। देखो मुझे अभी का भी एम्बुलेंस चाहिए। ठीक है, हम व्यवस्था करते हैं। रुको, एम्बुलेंस आ रही है, वो उसे हॉस्पिटल ले जाएंगे। मैं यहाँ नहीं रह सकती, जब पुलिस आएगी तो मैं यहाँ नहीं रह सकती। जाओ यहाँ से। कहाँ जाऊँ? देखो तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी, प्लीज आओ मेरे साथ। बैठो। लगता कोई यहाँ की सर्विस से खुश नहीं था। कितने मरे? 8 लोग, उससे भी ज्यादा हो सकते हैं। ओह नो, ये उससे भी भयानक है। ऐसा मारा जैसे पुरानी दुश्मनी निकाली हो। वैसे भी शक्ल से बकवास ही लग रहा है। खैर इस काम में ऐसा ही होता है ना सहगी? पता चला किसने किया? नहीं, ये कस्टमर नहीं था, उन्होंने कहा इसे पहले कभी नहीं देखा। और इसके साथ किसने किया होगा? खैर तुम्हें पता है क्या करना है, मुझे पूरी डिटेल्स चाहिए। चलिए सीसीटीवी देखते हैं। उम्मीद करता हूँ पंटर्स को इसके बारे में ना पता हो। ओह नो, ये हमारा ही आदमी है।
ठीक है, इसको डिपार्टमेंट में लेके आओ, लेकिन जब तक मैं हाँ ना कहूँ तब तक प्रेस वालों में से किसी को मत बुलाना। ये यहाँ के धंधे की वजह से नहीं हुआ है, और ये पता लगाओ कि वो आदमी कौन है। मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। मैं जानती हूँ कि वहाँ हर लड़की की जिंदगी अब से नरक हो जाएगी, लेकिन तुम्हारा शुक्रिया। उन घटिया इंसानों के साथ यही होना चाहिए था, तुमने सही किया। और तुमने नाम क्या बताया था? मैंने कुछ नहीं कहा। ठीक है, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि तुम्हारी कहानी क्या है? हाँ, तुम पूछ सकते हो। पर मुझे जवाब नहीं मिलेगा, उसके लिए माफी चाहता हूँ। ठीक है, वैसे ये अंत नहीं है, पता है? ऐसा नहीं है कि तुमने ऐसा किया और वो कुछ नहीं करेंगे। हाँ, मुझे पता है। पर हाँ, मैं मदद कर सकती हूँ। मैं उनके बारे में जानती हूँ कि वो क्या करते हैं। अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो तुम्हें सब कुछ बताना पड़ेगा, और बदले में तुम्हें मेरी सिस्टर को ढूंढने में मदद करनी होगी। जैसिका, मुझे उसे देखे हुए एक साल से भी ज्यादा हो गया है। उसके साथ क्या हुआ है? मुझे नहीं पता। क्या तुम्हें पता है वो बाहर आ पाएगी या नहीं? नहीं, मुझे लगता है उसे किसी दूसरी जगह भेज दिया, जैसा कि तुमने देखा। जो भी, मैं ऐना हूँ, बाय द वे। देखो, वो अभी जिंदा है। वो जिंदा है? वो जिंदा है? और मैं उसे ढूंढूंगा। हम रुक क्यों गए? मुझे कॉल करनी है, तब तक तुम्हें गाड़ी में रुकना होगा। ओ, तो तुमने गाड़ी इसलिए रोकी कि ड्राइव करते वक्त बात करके तुम कानून तोड़ना नहीं चाहते? ऐसा लगता है कि एक अकेले निहत्थे पुरुष ने किसी तरह इमारत में प्रवेश किया और फिर भारी हथियारों से लैस अपराधियों के गिरोह को मार दिया, जिन्हें हम कह सकते हैं कि वो लोग महिलाओं की अवैध तस्करी में शामिल थे। हेलो, मुझे एक सेफ हाउस की जरूरत है। हाँ, जानता हूँ, मैं न्यूज देख रहा था। तुम वापस बिजनेस में आगे, देख के अच्छा लगा। मैं नहीं, चैरिटी वर्क। एक अरसा हो गया, सब खत्म कर दो, वापस आ जाओ। क्या आप मदद कर सकते हैं या नहीं? क्या मैं मदद कर सकता हूँ? 423 ईस्ट वुड वॉक, साउथ ईस्ट, कॉम्बिनेशन लॉक है। शुक्रिया, तुम्हें बहुत मिस किया। अब तुम वेकेशन से वापस आ गए तो काम पे लगते हैं। तो तुम किससे बात कर रहे थे? माय डैड। वो कैसे हैं? ब्रैडली वापस आ गया है, लोकेशन 5। सबको पता है क्या करना है। तुम्हारे डैड का टेस्ट तो काफी अच्छा है। रुको यहाँ। ऊपर कमरा है, तुम आराम कर सकती हो। और कपड़े भी हैं, चाहो तो चेंज कर लो। शावर भी है, नहा लो। मैं तो नहा लेती हूँ। और अंदर किचन भी है। मैं भूख से मर रही हूँ। वहां कुछ खाना होगा या नहीं? ये तो काफी अच्छा लग रहा है। देखो, खाने के लिए ही मिला मुझे, अब देखते टेस्ट है कि नहीं इसमें। ये क्या है? तुमने क्या न्यूक्लियर वॉर के लिए स्टॉक किया है खाना? हो सकता है। तुम हो कौन, करते क्या हो तुम?
मैं खाना बनाता हूँ, लेकिन इतना अच्छा नहीं पर खाने लायक बन जाता है। ये बहुत अच्छा है। क्या ये फैमिली रेसिपी है? मेरी कोई फैमिली नहीं है। I'm sorry. कोई बात नहीं, मैं बचपन से अकेला हूं। और तुम्हारी फैमिली? जेसिका? जेसिका और मैं काफी क्लोज थे। मुझे उसकी देखभाल करनी थी क्योंकि मैं उसकी बड़ी सिस्टर हूं और ये मेरा फर्ज बनता है। कोई नहीं, थोड़ा खाना खा लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। जेसिका दिखने में कैसी थी? मेरे पास उसकी फोटो है, मैं लेके आती हूँ। देखो तो ये जेसिका है। यही जेसिका है? क्या हुआ, हमें किसने मारा? ना ही कोई पुरानी रंजिश, ना ही किसी गैंग से संबंध था। अब हमारे आदमियों ने लड़कियों से बात की तो उन्होंने बताया कि वो एक अकेला आदमी था। एक आदमी कौन हो सकता है? कोई जानकारी नहीं। जब तक सर्विलांस की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक इंतजार करना पड़ेगा हमें। किसी लड़की ने भी उसे नहीं देखा, उसके बारे में किसी को भी नहीं पता। वैसे ऐसा कौन सा व्यक्ति जो अपने दम पर कुछ ऐसा कर सकता है, उसे खोजना बहुत मुश्किल नहीं है। मैं जो कह रहा हूं वो ऐसा है जो हर किसी को अपने आप से मिटा सकता है, यह एक तरह से इससे थोड़ा नीचे करता है ना? हम इस तरह के किसी आदमी को नहीं जानते। जरूरी नहीं, उस तरह के लोग बहुत खतरनाक हैं। मेरे मामले को छोड़कर उस तरह से पैदा नहीं हुए, वे निर्मित हैं।
और तुम उनके बारे में कुछ भी नहीं सुन सकती क्योंकि तुम उनसे कभी मिली थी। वो घटिया आदमी दीवार को तोड़ता है, अंदर आता है, फोन कॉल करता है और कोई कुछ भी नहीं बताता। तुम्हें जरा भी अंदाजा है उस जगह के बारे में कि वो कैसी जगह है और किस तरह के लोग आते हैं वहाँ पर? अच्छी जगह है। पागल टोपी। क्या? मेरे दादा, आओ हम पर लड़े। अमेरिकी एयरबॉर्न, उन्होंने लड़ाई लड़ी एसएस डिवीजन के खिलाफ। कहा जाता है खुद को सीक्रेट इस्लाम। मुझे नहीं पता कि इसे जर्मन में कैसे कहा जा सकता है। सैनिक जो अपने परिवारों को खो देते हैं, उन्होंने सब कुछ खो दिया। उन्होंने एक खास तरह की वर्दी और टोपी पहनी थी ताकि हाथ ऊपर करते उन्हें गोली लग जाए। मेरे दादाजी ने कहा कि जब वो लड़े थे तो बहुत स्ट्रांग थे, लेकिन अंत में वो मरने के बजाय जीवित रहेंगे। अन्य पात्रों में यह लगता है कि सोचा था कि एक आत्मघाती मिशन है जिसके लिए वो मरना चाहते थे। मुझे उम्मीद है कि वो खेल है। हो सकता है कि हम उसके खिलाफ हों। अगर ये ऐसा केस है जिसमें किसी इंसान ने अपना दिमागी संतुलन खोते हुए कानून को तोड़ा है, तो हमें कोई एक्शन लेना चाहिए। और ये भी हो सकता है कि हमें ये सब छोड़ देना चाहिए और चले जाना चाहिए। पहचान पत्र पर फोटो लगाने के लिए एकदम जानती हो हम क्या करने वाले हैं? कोई भी व्यक्ति ये पता लगाने में सक्षम होने वाला है कि वो मेरे कैसा ख्याल दिखता से है। हम सब कुछ कर सकते हैं। सुनो, मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ। ठीक है। वो कौन थे? पुलिस? नहीं। फिर कौन? पुराने दोस्त। पर उन्हें कैसे पता चला हम यहाँ थे और हमें मारने की कोशिश क्यों की? मुझे भी यही पता लगाना है। ओह नो! तुम पीछे के सीट में बैठ जाओ, सिर नीचे रखना। ओ ठीक है। मॉर्निंग, क्या लेंगे आप? मुझे ब्रेकफास्ट में जो भी स्पेशल है वो कॉफी के साथ। और मेरे लिए दो लाना और साथ में चाय भी, ठीक है? ये सब क्या चल रहा है? कौन थे वो लोग और वो हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं? वो तुम्हारा पीछा कर रहे हैं? आखिर तुम हो कौन? मैंने तुम्हें कहा ना, मैं इसका जवाब नहीं देना चाहता। तुम जेसिका के बारे में क्या बता सकती हो? वो कहां से गायब हुई? वो किसके साथ रहती थी? उसकी कोई दुश्मन? हम दोनों एक साथ रहते थे एक छोटे से फ्लैट में जो एजेंसी ने दिया था। जब एक लड़की जाती है तो दूसरी आ जाती है प्रोडक्शन लाइन की तरह। तो जब मैं फुल टाइम करने लगूंगी, जैसा कि ये कहते हैं, तो जेसिका को एक ऐसी जगह पे ले जाएंगे जिसे कहते हैं स्कूल हाउस। अब पर मुझे नहीं पता कि वो है कहाँ, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम उस जगह को ढूंढो। ये एजेंसी का नाम बता सकती हो?
कैपिटल प्रमोशंस। तुम जिस एजेंट के पास काम की उसका नाम क्या था? पॉल हैमिल्टन। वो एक छोटे से ऑफिस में वहां काम करता है। तो अब तुम्हारा प्लान क्या है? तुम बस वहां जाओगे और बोलोगे बताओ जैसिका कहाँ है? हाँ ऐसा ही कुछ। हाँ हेलो। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। क्या पॉल हैमिल्टन यहाँ है? मुझे बात करनी है उनसे। आपने अपॉइंटमेंट लिया है? नहीं मैंने नहीं लिया। मुझे जेसिका के बारे में उनसे बात करनी है क्योंकि मैं उसका भाई हूँ और मिस्टर हैमिल्टन उनके एजेंट थे। मेरी बहन मुझे मिल नहीं रही है, इसी सिलसिले में बात करनी है मुझे उनसे। ठीक है आप बैठ सकते हैं। सुनिए सर, मिस्टर पॉल, मैं पॉल हैमिल्टन हूं। नाइस टू मीट यू। अंदर आइए। बैठिए। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूं हर रोज की तरह। हो तो मुझे पता है, लेकिन आपका आना कैसे हुआ यहाँ? तुम ऐना के बारे में कैसे जानते हो बताओ मुझे। हाँ आपने सही कहा, क्योंकि आप ऐना के भी एजेंट थे और मेरे ख्याल से जेसिका के भी, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि जेसिका के बारे में आप सब कुछ बता सकते हैं हमें। बहुत समय तक जेसिका मेरे साथ नहीं थी, इसके लिए मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। 2-3 महीने थी, उसके बाद वो छोड़ के चली गई। उसको एक नया जॉब और एक नया एजेंट मिल गया। वो उसके साथ काम कर रही है और ऐना का भी मुझे कुछ पता नहीं। मुझे लग रहा है आप मुझे गलत समझ बैठे पॉल। वैसे मैं आपको पॉल बुला सकता हूं ना? ऐना कहाँ है मुझे पता है। वो नीचे बाहर इस वक्त मेरी गाड़ी में बैठी है। अब मैं सच कह रहा हूं, मैं उस कीचड़ की दुनिया से उसे बाहर लाया हूं। मैं जानना चाहता हूं जेसिका भी कहां है और स्कूल का भी पता बताओ जहां उसे रखा गया है अभी के अभी। जैसा तुम मुझे समझ रहे हो वैसा नहीं हो मेरे बेटे। यहाँ तुम मेरे ऑफिस में बैठे हो, ऐना के बारे में जानते हुए भी मुझसे पूछ रहे हो, जो कि तुम्हें सब पता है पहले से। मैं बेवकूफ हूँ? हाँ मेरे बारे में तुम्हें पता नहीं। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो बहुत बुरा होगा। ये गन दिखा के मुझे डराने की कोशिश मत करो। तुम्हारे जैसे गन दिखाने वाले लोगों को अच्छे से ठीक करना आता है मुझे। बिल्ली के बच्चे, तेरी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे ऑफिस में आके मुझे गन दिखाए? हाँ चुपचाप चले जाए यहाँ से, नहीं तो धक्के मार के निकलवाऊंगा। मुझे घूर के कैसे देख रहा है तू? हाँ क्या कर रहे हो ये? स्कूल का मुझे पता बताओ अभी क्या भी? मुझे कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता मुझे। बताओ जेसिका को कहाँ बंदी बना के रखा है? बताओ जेसिका कहाँ है? वेस्टर्न पार्क हाउस, वेस्टर्न पार्क हाउस में उसको वहीं पर रखा हुआ। बस तुमको इतना ही कहना है मुझे। तुम लड़कियों को बेचते हो, बच्चों को बेचते हो, धंधा करवाते हो, फिर उन्हें ऐसी जगह पे गायब कर देते हो जहां उनके परिवार वाले कभी ना पहुंच पाए। मुझे छोड़ दो, दर्द हो रहा है। तू मेरी बात सुनो, इससे ज्यादा दर्द तुम्हें मैं नहीं दूंगा क्योंकि मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। तुम बिल्कुल इसी के लायक थे। कोई मदद चाहिए आपको? अब नहीं, जो मदद चाहिए थी वो मिल गई क्योंकि मिस्टर पॉल ने अच्छे से बता दिया है। आपका दिन शुभ हो।
वेस्टर्न पार्क हाउस। तुमने ये कैसे पता लगाया? उसने बताया मुझे। बॉस, समझ गई, आती हूँ। तुम अंदर जाके थोड़ा आराम कर लो, मैं जरा वेस्टर्न पार्क हाउस होके आता हूँ। ठीक है। किसी के लिए भी दरवाजा मत खोलना। ये हमारा आदमी है? ये तो बहुत बड़ा हीरो है। जितनी जल्दी हो सके इसे बाहर निकालो। मैं चाहता हूँ कि सभी को ये पता चले कि ये कैसा दिखता है। आपको सच में लगता है ये फिर से मार सकता है? मुझे नहीं पता, माफ करना। हाँ, ये तो गड़बड़ है। वैसे आप मुझे डिटेल दे सकते हैं? ठीक है, ठीक है, थैंक यू। हैमिल्टन दूर हो गए। क्या? हाँ, अपने ही ऑफिस में अपने सेक्रेटरी के साथ बाहर ही बैठे थे। एक लड़का अंदर चला गया और कुछ मिनटों के बाद बाहर चला गया। कुछ घंटों के बाद स्टाफ ने देखा कि हैमिल्टन की गर्दन क्रिस्टम टर्की की तरह फैली हुई है। ओह गॉड। उन्होंने कहा कि उनकी जीभ थोड़ी हटके है। वही कहानी, बड़ी डील। मुझे लगता है कि शायद हम फिर से मारेंगे। हेलो। क्यों? अब तुम पे भरोसा नहीं किया जा सकता। पिछली बार तुम्हारी वजह से जो नुकसान हुआ वो हम दोबारा नहीं भुगत सकते हैं। तुम बिना बताए चले गए थे और एक अरसे तक गायब रहे। हमारे बिजनेस में ये नहीं चल सकता। कोई कभी भी आ जा नहीं सकता है। काम पूरा हुआ है, आपने जो कहा था वही किया मैंने। हाँ, लेकिन तुम इस तरह गायब नहीं हो सकते हो ब्रैडली। तुम गायब हो गए और हम पता भी नहीं लगा पाए। आज से पहले कभी ऐसा हुआ नहीं था। क्या पता तुम पीछे से क्या कर रहे हो। तुम्हारी वजह से हमारी टीम को भी नुकसान हुआ। हमें ऐसे बोझ पसंद नहीं है। इसका अंजाम क्या होगा आपको शायद पता नहीं। अच्छी तरह जानता हूं, हम में से कोई मरेगा। कॉन्टैक्ट कहाँ? ईस्ट लंदन, स्ट्रैंड स्ट्रीट, बिल्डिंग 51। सेकंड टीम को वहाँ भेज दो। माँ? हाँ, कौन? मैं ना। मुझे छोड़कर तुम लोग कहाँ चली गई? कितना ढूंढा तुम लोगों को। मैं वादा करती हूँ हम दोनों जल्द घर आएंगे माँ। तुम लोग जल्दी आ जाओ, हम लोगों को तुम्हारी याद आ रही है। तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लग रहा। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। बेटा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। हमें तुम्हारी बहुत याद आती है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ मम्मा। मुझे डर लग रहा है, मैं घर जाना चाहती हूँ। तुम अपनी बहन की मदद करना चाहती हो? हाँ। और क्या तुम अपनी माँ को दोबारा देखना चाहती हो? हाँ। तो तुम्हें ये सब करना पड़ेगा। अगर तुम मदद नहीं करोगी तो मैं नहीं जानती तुम घर जा पाओगी या नहीं। अगर तुम्हारी बहन को कुछ हो गया तो उसकी वजह तुम होगी। नहीं, तुम जानती हो तुम एक अच्छी लड़की हो। हाँ। गुड, ये तुम इतनी भी बुरी नहीं हो। तुम अच्छे लोगों से ही मिली होगी, उनके बारे में बता सकती हो हमें, तो हम भी तुम्हारे लिए अच्छे ही रहेंगे।
जैसा तुमने मुझे उन फोटो में दिखाया था। डरो मत, हर कोई पहली बार में डरता है और बाद में ठीक हो जाता है। तुम भी खुशी से रहो, अब ये खेल खेलने के लिए तुम बड़ी हो चुकी हो, समझ गई? गुड। अब तुम सारा के पास जाओगी, वो तुम्हारी दोस्त बनेगी, तुम्हारी देखभाल करेगी, समझ गई बेटा? ठीक है, जल्दी करो, तुम भी तैयार हो जाओ, आज रात बहुत सारे मेहमान हैं, तो मैं चाहती हूँ तुम्हारा मूड आज बहुत अच्छा रहे, समझ गई तुम? तुम सब चलो अभी, जल्दी चलो, जल्दी करो, मेरे साथ आओ। पहला टारगेट हासिल हो गया। अभी कुछ मत करो। फिर से कहो। बोला ना कुछ मत करो, शांति बनाए रखो, मैं बताऊंगा तब। कंफर्म। सबको बोल दो कोई अटैक नहीं करेगा, मैं चाहता हूँ वो परेशान हो जाए, जब वो इमोशनली टूटेगा तब बात करेंगे। आई बात समझ में? वो कैंसिंगटन में जो आदमी मारा गया था ना, पॉल हैमिंगटन, उसके बारे में कुछ पता चला? कुछ भी नहीं, पता करने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे वो औरत तो कल रात गायब हो गई थी ना, पता है ना, एक पब के साथ उड़ान भरी, वो हैमिल्टन के लिए काम किया करती थी, फिर वो अचानक से गायब हो गई और फिर किसी और नए शो में नजर आई वो। उसके बारे में कुछ खास पता नहीं चला। शायद ना हो, लेकिन उसकी बहन और वो दोनों एक वक्त पे गायब हुए थे, और एक बच्चा भी। मेरा मतलब पील और लड़कियों के साथ ऊपर फ्लैट में रह रहा था, लेकिन बच्चे का पता नहीं चला। क्या आप सच कह रहे हैं? लड़की अब भी लंदन में ही है और पब उसके पीछे लगी हुई है। सुनो, देखो तुम गोली मत चलाना, हमारे पास वो सुरक्षित है। वो लोग तुम्हारे बिना ही अच्छे रहेंगे। नहीं, डरो मत, मैंने पुलिस को कॉल किया है,
तुम सब सेफ हो। कहाँ है ये? कहाँ है जेसिका, बताओ? मैं नहीं, जेसिका, जेसिका, अब वो हमारे साथ नहीं है, उसे खरीद लिया था। खरीद लिया था? एक अच्छा सा आदमी था, वो उसे पसंद आ गई, उसने उसे खरीद लिया, वो उसके साथ है। कौन है वो और अभी कहाँ है? याकूब एंड्रीज, एम्स्टर्डम। एंड्रीज डायमंड्स, द मर्चेंट। ब्रुक्स बोल रहा हूं। मैं ब्रैडली, 423 ईस्टवुड वॉक। अच्छा ठीक है, लेकिन तुम बताना क्या चाहते हो? मैं तुमसे फेस टू फेस मिलना चाहता हूँ। मैं वेस्टर्न पार्क हाउस में हूँ, तुम जो देखना चाहते हो वो तुम्हें यहाँ दिख जाएगा। तुमने क्या किया वहां पे? यहाँ के कचरे को साफ करके रहने लायक बना दिया। मैं यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकता, जल्दी आ जाओ। ये वही आदमी है, वेस्टर्न पार्क हाउस चलो जल्दी। देख रहे हैं आप? अरे यहाँ भी आ रही है। क्या बोलूं मैं, वेस्टर्न आपका आदमी जिसका नाम ब्रैडली है, राइट? उसने सब कुछ खत्म कर दिया और अब हम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, समझे? सब मुझ पे छोड़ दो। जरूर, मुझे नहीं लगता कि अब आपकी गेस्ट लिस्ट में कौन है। हाँ मैं जानता हूँ, और तुम बाद में शुक्रिया अदा करना क्योंकि वहां मेरा एक दोस्त है। अब इस ब्रैडली के बारे में क्या सोचें? उसे ढूंढो। इस आदमी को हम ढूंढ रहे हैं, इसे ब्रैडली के नाम से जाना जाता है, जल्दी से इसे ढूंढो। हमें लगता है हमें मिल गया बॉस। वो कैसे? जब वो स्कूल में घुसा तो उसने वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड को बंदी बना लिया, और वो स्कूल वाले अपनी ट्रैकिंग प्रणाली से हमारी सहायता करने को तैयार हैं, जिससे कि हम उसके बारे में पता लगा सकते हैं कि वो कहाँ है और कहाँ नहीं। इतनी चालाक नहीं हो। मेरे पास बहुत से लोग हैं जो सेना में रह चुके हैं। वो कितने भी अच्छे हो, मुझे नहीं लगता कि वो ब्रैडली को कहीं से ढूंढ पाएंगे। शिट, क्या क्या बोल रहे हो तुम? ये सब इतना आसान बिल्कुल नहीं है, और मैं तुम्हारे लोगों पर भरोसा नहीं कर सकती, समझ गए तुम? मैं तुम पर ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मुझे उन पर भरोसा नहीं है, ठीक है? हाँ, तो जो मरेंगे उनके जिम्मेदार तुम होगे। सही कहा, वो एक बेवकूफ इंसान है जो मुझे और तुम्हें दोनों को मारना चाहता है। कौन है ये ब्रैडली, मुझे नहीं पता। काश काश मैं उसके बारे में भी जान पाता। मैं भी तुम्हारी तरह उसके बारे में जानना चाहता हूँ। ऐसा है जैसे अंधेरे में मछली पकड़ना। अगर उस एग्जीक्यूटिव ने ये कहा है कि वो इस केस को सॉल्व कर सकता है, तो मैं तुम्हें बता दूं कि ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, जो कोई भी इसे आसानी से सॉल्व कर ले, समझ गए? मुझे नहीं लगता कि हमारे पास विकल्प है। ये ऑर्डर है, उसे पूरा करना चाहता है, ठीक? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। ऐसा ही है, तुम वापस चली जाओ। तुम ये कह सकते हो? तुम्हें क्या लगता कि मैं तुम्हें कोई कहानी सुना रहा हूँ, या फिर ये मेरी कोई इमेजिनेशन है? ये तुम्हारे दिमाग का वहम है। हाँ ऐसा कह सकती हो। कई साल पहले जब मैं सेना में भर्ती होने के लिए गई थी और रास्ता खोज रही थी कि अपने कॉलेज की फीस भर सकूं, तब मैं एक एग्जीक्यूटिव से मिली थी, तो उसने मुझे बताया कि मैं एक मॉडल बन सकती हूँ। उसने मुझे एक डांस बार में नौकरी दिला दी, और मुझे वो सब घटिया काम करना पड़ा सिर्फ कुछ पैसों के लिए ही। अपने कपड़े तक उतारने पड़े। मैं जानती हूँ कि एग्जीक्यूटिव कैसे होते हैं। ठीक है ठीक है, ये एक अच्छी कहानी है। हम कैसे भी करके उन्हें लाएंगे और मारेंगे, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे।
आज सुबह पुलिस ने सबसे बड़ा पीडोफिल नेटवर्क लंदन में खोज के नेटवर्क पे छापा मारा है। इसमें कई बिजनेसमैन और काफी ऊंचे औहदे के आदमी और औरत शामिल है। अधिकारियों ने अब तक ये तो नहीं बताया कि कितने बच्चे इसमें शामिल थे, लेकिन संख्या उनकी बहुत ज्यादा है। जब तक पुलिस घटनास्थल पे पहुंचती, वहां कई लोग घायल हो चुके थे और वहां पे एम्बुलेंस की लाइन लगी हुई थी। पुलिस अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि वो इस पर सख्ती से कार्रवाई करेंगे। हमारे साथ बने रहिए, हम इसी के बारे में और जानकारी देते रहेंगे। तुमने जो मुझे उस दिन बताया था कि तुम्हारे आर्मी में कुछ लोग हैं जो बहुत ही बहादुर हैं और बेहतरीन कमांडो हैं, जो एक नंबर के बकवास निकले, तो बताओ मुझे क्या करना चाहिए उन घटिया लोगों का। सोना, सॉरी, क्या मैं बात कर सकती हूँ? नहीं, ये समय ठीक नहीं है सैली, तुम जा सकती हो। सोना, क्या? ठीक है, जल्दी बोलो। मुझे एडवांस चाहिए इस समय तो बिल्कुल नहीं। बस, बिल्स पे करने हैं और किराया भी। मुझे निकाल देंगे अगर इस हफ्ते भी नहीं दिया तो। तुम जानती हो मैं एडवांस नहीं दे सकती। पर लेकिन तुम एक सुंदर लड़की हो, तुम एक मॉडल बन सकती हो, मैं बता रही हूँ तुम्हें। जाओ अपनी रेड ड्रेस पहनो, हमें खूबसूरत लड़की की जरूरत है। पिछले हफ्ते ही एक लड़की खो चुके हैं हम। मैंने सुना था कि वहाँ कुछ गलत हो रहा था। ये एक मॉडल पार्टी है, वहाँ पर मॉडल्स होती हैं, एक्ट्रेसेस होती हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं और दुनिया के बड़े से बड़े अमीर लोग होते हैं वहाँ पर। पता है तुम्हें, तुम किसी की पसंद बन सकती हो, शायद लकी डे हो वो तुम्हारा, और तुम्हें बस थोड़ी सी मुस्कान बिखेरनी है और बहुत सारा पैसा कमा सकती हो। नहीं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्या करोगी तुम, ये 2000 हैं, हाँ? जाओ और रेड ड्रेस खरीदो, अच्छे से जूते और सेक्सी लगो, जैसे किसी के साथ डेट पर जा रही हो। क्या पता किस्मत बदल जाए। अगर ये चाहिए तो वो सब करना होगा। तुम्हारे पास वो सब कुछ है, कोई भी तुम्हारे जाल में फंस सकता है जो कभी ना निकल सके। क्या तुम अब भी वो काम करती हो? ये मेरा काम है जिसे मैं कई सालों से कर रही हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि तुम जो कर रही हो सब ठीक है? मेरे ख्याल से तुम्हें छोड़ देना चाहिए। हाँ ठीक है, ठीक है। क्या हम किसी के बारे में बात कर सकते हैं? क्या ये सब अमीरों के खेल है जिसमें मासूम लड़कियां फंसती हैं और जान गंवा देती हैं? जानती हो मैं तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा हूँ? क्या? तुम्हें जाना चाहिए। <clears throat>
ब्रैडली बोल रहा हूँ। ब्रैडली, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? मुझे सप्लाईज की जरूरत है। किस काम के लिए? कुछ ऐसा मुश्किल काम नहीं है, बस विश्वास नहीं होनी चाहिए। मुझे कुछ टाइम दो, समझ रहे हो ना? ठीक है। ओके, जल्दी कॉल करूंगा। मुझे आपकी मदद चाहिए, क्या आप मुझे बता सकती है कि 130 नंबर कमरा कहाँ पे है? हाँ, अगर आप इस तरफ से जाएंगे तो बाएं हाथ मुड़ जाइएगा। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इट्स ओके। मैं बस सोच ही रहा था तुम कब आओगे। तो पता ही होगा क्यों आया हूं। एग्जीक्यूटिव? नहीं, मैं अभी उनके साथ नहीं हूं। साथ नहीं हो? मैं यहां लड़की के लिए आया हूं। तो तुम्हें लगता है वो यहां है? खेल खेलना बंद करो। जेसी का कहां है ये बताओ। मुझे नहीं पता। मैं दोबारा नहीं पूछना चाहता। तुम्हें पता नहीं है पर तुम एग्जीक्यूटिव के लिए ही काम कर रहे हो। मैं जो पूछा उसका जवाब दीजिए। बताइए वो कहाँ है, यही आपके लिए अच्छा होगा। वैसे भी मुझे अच्छे से पता है कि सच्चाई कैसे निकलवाई जाए जो कि आपको पसंद नहीं आएगी। तुम एक निर्दोष आदमी को मार डालोगे। तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं, एग्जीक्यूटिव झूठ बोल रहा है। उनके सच के मायने अलग है, झूठ सच है और सच झूठ, और बीच में ढेर सारी मिलावट। यही सच तुम इनकार नहीं कर सकते। ब्रैडली, तुम मानो या ना मानो, बहुत लोग ऐसे हैं जो मेरे साथ जीना चाहते हैं। मेरे लिए यह बहुत बड़ी बात है। और इनमें से किसे पता है कि उनका एग्जीक्यूशनर कौन भेज रहा था और कितने लोग एग्जीक्यूटिव को पहचानते थे और उन्हें जीने का मौका मिला, बिल्कुल तुम्हारी तरह। उन्होंने तुम्हें कहा क्या है? कि मेरे पास एक इंफॉर्मेशन की ऐसी चाबी है जिसके लिए तुम मार सकते हो लगातार तुम्हारे रास्ते में जो भी आए उसे। मुझे पता है तुम्हें अपने मिशन पे भरोसा है। तुम एक समझदार आदमी हो और तुम बेमतलब किसी की जान नहीं लोगे, इसलिए उन लोगों ने तुम्हें एक मकसद दिया, मकसद मारने का। और अब तुम बिल्कुल वही कर रहे हो जो वो चाहते हैं। मैं कभी किसी निर्दोष इंसान को नहीं मारता, समझ गए तुम? बिल्कुल। सच के साथ झूठ, झूठ के साथ सच। लेकिन तुम्हें यह सब कैसे पता? क्योंकि एक जमाने में मैं भी उनका मोहरा था, बस तुम्हारी तरह। और मैं उनके लिए काम करता रहा
आग बंद करके है। उसके पहले मैंने कोई सवाल नहीं पूछा, और जब मैंने सवाल पूछा तब उन्होंने कहा कि तुम्हारा टाइम खत्म हो गया, क्योंकि एग्जीक्यूटिव हर आदमी को अपने मकसद के लिए रखता है। तो तुमने असल में किया क्या है? उससे क्या फर्क पड़ता है, उन्हें मुझे जिंदा रखना था और उन्होंने एक तरीका निकाल ही लिया। तो तुम एक विदुर हो और तुम्हारी बेटी विदेश में पढ़ती है, उन्होंने तुम्हारी पत्नी को मार डाला है, तुम्हारी बेटी को बंदी बनाकर रखा है। ब्रैडली तुम बैठ सकते हो। इस लड़की के लिए मैं यहां आया हूं। ब्यूटिफुल। कौन सा स्कूल? तुम्हें स्कूल का पता है? हाँ बिल्कुल, जहां ये सारा काम पुलिस से छुपकर होता है, उसका इस्तेमाल एक्सटॉर्शन और ब्लैकमेल करने को होता है। हर एक रूम में एक कैमरा है और एक माइक्रोफोन भी। उन्होंने लड़कियों को बंदी बना के रखा था। वहां पे एक औरत थी, उसने आपका नाम बताया। उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की लेकिन मार नहीं सके, क्योंकि हालात बदल चुके थे। फिर भी वो तुम्हें मारना चाहते हैं, लेकिन सिचुएशन ही कुछ वैसी हो गई। और जिस औरत ने तुम्हें मेरा नाम बताया, उसे यह बताया गया होगा कि लड़की को गायब करने में मेरा हाथ था। सभी लोगों को यही बताया होगा, क्योंकि किसी को भी ये आइडिया नहीं होगा कि तुम किसे इंटरोगेट करोगे। और रहा सवाल उस जगह को बंद करने का, वेल, तुम तो बस एक मोहरे हो एग्जीक्यूटिव के चेस गेम के, बलिदान हो एक बड़े मकसद के लिए। शायद उन्हें कुछ लोगों को खत्म करना था और कुछ लोगों को अपनी जेब में रखना था, मुझे नहीं पता। बस मैं इतना जानता हूं कि अगर तुम उनके खिलाफ गए तो उनके पास तुम्हारे जैसे और कई लोग हैं जो तुम्हारे बाद तुम्हारा काम करेंगे। पर वो लड़की असली थी? ओ हां, बिल्कुल असली, बल्कि वो सभी असली है। दरअसल वो एक्टर्स है जो ये एग्जीक्यूटिव ने क्रिएट किए हुए हैं। पर मुझे उसे ढूंढना है। लेकिन वो कहीं भी हो सकती है माय फ्रेंड। मैंने वादा किया है। तो फिर तुम्हें एग्जीक्यूटिव से ये उगलवाना होगा कि लड़की कहां है। जरूर, पर ये मैं कैसे करूं? उस लड़की को तुम्हें वहां ले जाना होगा जहां एग्जीक्यूटिव चाहता है, और तुम्हारा दूसरा पड़ाव होगा मुझे मार डालना। पर मैंने उनका प्लान बिगाड़ दिया। हां बिल्कुल, लेकिन ये उन्हें जानने की जरूरत नहीं है। सर, क्या वो फोन ऑन करेगा आपको लगता है? बेशक वो ऑन करेगा, वो ये बताना चाहता है हमें कि वो इस वक्त कहां है। क्या बात है ब्रैडली, मजा आ गया। एंड्रियास, इतना आसान नहीं था, लेकिन तुमने सही निशाना लगा, और ये मैं जानता था। अब ये सब खत्म करूंगा। ओ वाकई, तुम अब ये नहीं करना चाहते? आज तक तुमने किसी काम को बीच में नहीं छोड़ा है, ये तुम्हारी खासियत नहीं है। अंडराज को लगता है कि मुझे आपने भेजा है। मैं उनकी जिंदगी का सौदा करना चाहता हूं, उसने मुझे कुछ डेटा दिया है। इंटरेस्टिंग है। ये उतना भी इंटरेस्टिंग नहीं होगा जब मैं एक दर्जन एविडेंस बनाऊंगा और उन्हें हर अखबार और पुलिस को भेजूंगा। वो सब दया के पात्र हो जाएंगे, एंड्रे की बेटी और एना की बहन भी। मैं उनसे कभी नहीं मिला और मुझे उनसे कोई मतलब भी नहीं है। ओ, बात को समझो ब्रैडली, पहले ही दो शहरों में भगदड़ मची हुई है, और ये सब तुम एक मामूली वेश्या के लिए कर रहे हो। देखो, हम दोनों एक दूसरे का साथ चाहते हैं। हमें बस जिस चीज का ध्यान रखना है वो ये है कि एक दूसरे के साथ ठीक एक्सचेंज करें। मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं आप पर भरोसा कर सकता हूँ? तुम्हें शक है? कैसे मान लूं कि तुम इस चीज की कॉपी करके किसी और को नहीं दोगे? हमें एक दूसरे पे भरोसा करना होगा, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। कहीं भी दिखाने से पहले मुझे प्रूफ की आवश्यकता होगी। मैं भी यही चाहूंगा। मशहूर डायमंड मर्चेंट याकूब एंड्रीज अपने होटल के फ्लोर पे आज शाम मृत पाए गए। पुलिस इस बात की पुष्टि नहीं कर रही है कि उनकी मौत कैसे हुई,
लेकिन हम समझते हैं कि इसमें एक हत्या की जांच होनी चाहिए और हथियारों का पता लगाना चाहिए। इस बार वो तुम्हारे लिए रुके होंगे, अपनी गलती नहीं दोहराएंगे। क्या मैं पूछ सकता हूं तुम इसमें कैसे इन्वॉल्व हो गए? जैसा आपने कहा, क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? हाँ बिल्कुल फर्क पड़ता है, अगर उन्हें तुमसे कोई फायदा हो। मैंने देखा है, मैंने अपने जीवन में बहुत भयानक काम किया है। मैं हमेशा मानता था कि मैं उसके साथ रह सकता हूं। अब जब मैं आईने में देखता हूं तो मुझे एक और कातिल दिखाई देता है। माय फ्रेंड, तुम खतरों के साथ खेल रहे हो। मैं उसे अब ठीक नहीं कह सकता जो मैंने गलत किया है। शायद मैं कुछ अच्छा करके प्रायश्चित कर सकूं। तुम्हारी मजबूरी ही तुम्हारी कमजोरी बन गई है और एग्जीक्यूटिव इसी का फायदा उठाएगा। अगर कोई और तरीका होता तो क्या होता? कोई और तरीका नहीं है। उनके पास मेरी बेटी है और वो लड़की जिसे तुम ढूंढ रहे हो। मेरी दरख्वास्त है कि तुम दोनों को वापस ले आओ। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ मौत है। याद रहे मेरे दोस्त, मौत अपने आप में एक फरिश्ता है। तुमने मेरे पापों को देखा है, अब मेरी मजबूरी को समझो। मुझे कुछ सप्लाईज की जरूरत है। काम हो जाएगा, उसकी चिंता मत करो। तुम्हें क्या परेशानी है? क्या परेशानी है? तुम्हारे किसी एक दोस्त ने जो मुझे रेगुलर मिलने वाला वेतन था उसमें कटौती कर दी। मेरा मासिक बोनस सह गई और उसके मालिक के साथ रद्द कर दिया गया है। तुमने अब तक जो मदद की उसके लिए शुक्रिया। इस काम के लिए बस इतना ही? मत भूलो मैं हर महीने लेता हूं। अच्छा अच्छा है, हम उतना ही देते हैं जितनी हमें सर्विस मिलती है। अच्छा, मेरी सर्विसेज में अब तुम्हें परेशानी होने लगी है? अगर तुम नहीं चाहते कि मैं आगे साथ दूं तो ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पर अफसोस के हम ऐसे ही काम करते हैं। अब हम चाहें तो तुम्हें ईस्ट यूरोपियन से मिलवा सकते हैं अगर तुम शांत रहो। वहां से नए क्लाइंट मिल जाएंगे। अच्छा, मतलब अब तक मुझे तुमसे मिलता था, अब किसी और से मिलेगा? मैं उसको बैंक में कैसे दिखाऊंगा? मैंने अब तक तुम्हारा पूरा साथ दिया है लेकिन तुमने अचानक अपना हाथ रोक लिया। तुम्हारी वजह से मुझे जो नुकसान हुआ है, मुझे उसकी पूरी भरपाई चाहिए। नुकसान की भरपाई? ब्रूक्स, क्या तुमने मैजिक वास की स्टोरी सुनी है और बॉटल इन जिनी की स्टोरी? ऐसा कहते हैं कि जीनी सिर्फ तीन इच्छाएं पूरी कर सकता है, सिर्फ तीन इच्छाएं, और उसके बाद वो गायब हो जाता है। लेकिन चाइनीज वर्जन में ऐसा कहते हैं कि जीनी उनके साथ ही रहता है और ये बताता रहता है कि ये करो वो करो, वो उन्हें समझाता है लेकिन लोग उसकी बात समझ नहीं पाते हैं। वो अपनी इच्छाओं को रोक नहीं पाते हैं और उसके बाद वो फिर चौथे विश की तरफ जाते हैं। और पता है, चौथे विश लालच होता है। वो बाकी के सारे विशेष को खत्म कर देती है और इच्छा मांगने वाला सीधा पहुंचता है ऊपर। लालच से मौत भी हो सकती है।
तुम्हें जो भी चाहिए यहां सब मिल जाएगा। वो तुम्हें कभी भी फोन करेंगे। अब तुम्हारे पास 30 से 35 मिनट का ही टाइम है। जो भी ऑफर रखे उसके लिए तुम राजी मत हो जाना, क्योंकि मेरा प्रूफ कहां है? क्या तुम अभी इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो? हाँ। करा। मतलब कुछ नहीं, ये कभी भी दर्ज किया जा सकता था। तुम्हें अब तो यकीन हो गया है ना ब्रैडली, हमारे बीच में एक डील हुई थी। हाँ, अब हम एक डील कर सकते हैं। 6 मोनैन, ठीक 8 बजे। नहीं नहीं, तुम्हें लगता है तुम मना कर सकते हो? हाँ, मुझे ऐसा बिल्कुल लगता है कि मैं आपको मना कर सकता हूं, इसलिए मना किया। तो तुम क्या बताना चाहोगे? एक विकल्प। और तुम ये चाहते हो कि तुम जो कहो मैं उस बात को मानने लग जाऊं? हाँ, सही समझे। आप जानते हैं कि मैं कहाँ हूं और मैं जानता हूं कि आप कहाँ हैं, तो दोनों के बीच में आधा रास्ता। ये किया जा सकता है। 22 बेथलेन। बहुत ही अच्छे, आधा घंटे में मिलते हैं। ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें बाहर मिलता हूं। ब्रैडली, हम बिछड़ने वाले हैं। आशा करता हूं जल्दी मुलाकात होगी। रिकॉर्ड करो। गुड लक। तो हम लोग पहुंच गए। ब्रैडली, मैं एक सलाह दूंगा तुम्हें कि इसको प्रोफेशनली रखना, ताकि किसी को कोई नुकसान ना हो। मुझे धोखा दिया तो कोई बचेगा नहीं यहां पे। बहुत जल्द मिलते हैं ब्रैडली। जैसा कि तुम देख सकते हो, मैं सौदेबाजी के लिए तैयार हूं। लड़कियां कहां हैं? वो शहर से बाहर थीं, उन्हें लाया जा रहा। वैसे मैं जानना चाहता हूं कि तुम इसमें बीच में क्यों पड़ रहे हो। इससे आपको क्या मतलब? आप उन लड़कियों को मेरे हवाले करो और ये डेटा लेके जाओ।
बैडली। वहां क्या हो रहा है? तो क्या हुआ ब्रैडली, कैसा लगा तुम्हें ये खेल? लेकिन अफसोस कि तुम ये खेल हार गए ब्रैडली, तो सौदे के मुताबिक तुम मुझे वो पेन ड्राइव दे दो। जैसा मैंने कहा, पहले उन लड़कियों को मेरे हवाले करो। अफसोस मैंने कभी भाग दौड़ का खेल नहीं खेला, तो दे दो मुझे चुपचाप। तुम उस लड़की को क्यों सप्लाई कर रहे हो? बैड लक, तुम ऐसे सवाल पूछो जिनका जवाब तुम्हें नहीं मिल सकता। तुम जानते हो मेरे काम में टांग अड़ाने के बजाय अपने घर में बैठे होते तो शायद सुरक्षित होते और वो लड़की भी जिंदा होती। पर अफसोस उस लड़की की आदतें कुछ और ही हो चुकी थी। तुमने और एक गलती की, वो फोन उसके पास छोड़कर वहां से चले गए और उस वजह से वो मारी गई। तो उस सब के पीछे तुम थे? औरतें, बच्चे, सारे लोग? प्लीज, तुम्हें इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। तुम जानते हो कि दुनिया कितनी खराब है। मेरा काम तो बहुत ही छोटा है और हमने एक खेल का मैदान तैयार नहीं किया। हम तो बस इसमें ऐसे ही चले आए और आए तो पता लगा कि इसमें बहुत फायदा है। इससे पहले कि कोई और उनका फायदा उठाए, क्यों ना हम ही उनके संरक्षक बन जाए। संरक्षक? हाँ, इसलिए हम उन्हें इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उनका इस्तेमाल किया जा सकता है और वैसे ही हमने तुम्हारा भी इस्तेमाल किया। मेरी कीमत बहुत ज्यादा है। वाकई? तुम अपनी कीमत बताओ, तुम्हें पूरी कीमत दी जाएगी। पर अब वो डेटा दे दो। ये तुम्हें कभी नहीं मिलेगा क्योंकि मैं जानता हूं तुम इस डेटा से अपने को बचा सकते हो। नहीं, लेकिन इसके जरिए मैं सब पे कंट्रोल कर पाऊंगा। तुम एक अच्छा सूट पहनते हो, अच्छा भाषण देते हो और देखने में भी जेंटलमैन लगते हो, लेकिन तुम एक घटिया इंसान हो। स्टिक और स्टोन से बात नहीं बनती है ब्रैडली। जब बुलेट बात करती है तो अच्छे अच्छे बोलना शुरू कर देते। डेटा दे दो मुझे। तो तुम्हें यही चाहिए ना? हाँ। अगर तुम थोड़े भी समझदार होते तो तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं थी। तुमने खुद को नुकसान पहुंचाया। एग्जीक्यूटिव खत्म हो गया। हाँ, उसके घमंड ने उसे खत्म कर दिया और वो ब्रैडली। ब्रैडली ने खत्म कर दिया, पूरी तरह से रडार से दूर है। इससे पहले कोई भी इंसान उसे ढूंढ नहीं सकता था क्योंकि वो बहुत शातिर इंसान था और बहुत ही घटिया। ब्रैडली को तुम माफ कर दो, वो भी तुम्हें माफ कर देगा। देखो, मैं उसे माफ नहीं करूंगा क्योंकि मेरी बेटी को उसने मारा है और साथ साथ मेरा बहुत नुकसान किया है। जब तक मैं उससे बदला ना ले लूं, मुझे सुकून नहीं मिलेगा।